देखिए, अब तक मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि उन्हें पार्टी तोड़ने की कॉल आई थी। अब उनकी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं उनके विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए देकर तोड़ने की साजिश हो रही है। दिल्ली के इस शराब कांड के बाद क्या है देश की जन भावना? एबीपी न्यूज के लिए देश का मूड भापने की कोशिश की सी वोटर ने। सी वोटर के सर्वे के सवाल सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं। पहला सवाल ये आ गया स्क्रीन पर, मनीष सिसोदिया को बीजेपी नेता के कथित कॉल का खुलासा करना चाहिए क्या? 70% मानते हैं कि हाँ बिल्कुल खुलासा करना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। 30% ने ना में जवाब दिया है। अगला सवाल आपको बताते हैं। दूसरा सवाल है, आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों में दम है? 51% हां में जवाब दे रहे हैं और 49% ना में जवाब दे रहे हैं। मतलब यहां पर मामला जो है वो बेहद करीबी का है, बहुत पास का मामला। तीसरा सवाल, सिसोदिया पर आरोप से क्या अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान हुआ है? 54%, मतलब बड़ा आंकड़ा ऐसा है जो मानता है कि हां इससे सीधे अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान हुआ है। हालांकि 46% ना में जवाब दे रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके सामने चौथा सवाल आ गया है, दिल्ली में गली गली ठेके खोलने का फैसला सही था क्या? यहां पर आप देखें किस तरीके से फंसते हुए अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 80% ना में जवाब दे रहे हैं कि फैसला बिल्कुल गलत था। सिर्फ 20% ही हां में जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा सवाल अब आपके सामने रखते हैं और पांचवा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, केजरीवाल सरकार के कामकाज से खुश है या नाराज? इस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल देखकर राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर 60% लोग जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के कामकाज से खुश हैं, लेकिन 40% नाखुश भी हैं। और छठा और आखिरी सवाल इस सर्वे का आपके सामने रखते हैं, केजरीवाल 2024 में क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे? जिस तरीके के खुद अंदेशे आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाए जा रहे हैं, इसमें 44% हां कह रहे हैं, लेकिन बड़ा आंकड़ा 56% का है जो ना में जवाब दे रहा है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। मतलब अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। देखिए, केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पर नाना कर रहे हैं, लेकिन जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की बात थी, याद है ना आपको, तब भी तो केजरीवाल ऐसे ही नाना किया करते थे। आज उनकी पार्टी चिल्ला रही है कि उस पर सीबीआई का, केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियों का जुल्म हो रहा है। लेकिन अचरज देखिए आप, विपक्ष का कोई भी दल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के पक्ष में बोल नहीं रहा है। तो आखिर शराब के झमेले में कैसे अकेले पड़ गए हैं अरविंद केजरीवाल, इसको समझने के लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये महाभारत की तरह है, जैसे महाभारत की आपने कहानी सुनी होगी। आज इन लोगों के पास पूरी सेना है, इन लोगों के पास पूरी ताकत है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास ईडी है, इनके पास इनकम टैक्स है, इनके पास पुलिस है, इनके पास सारी, इतना पैसा है इन लोगों के पास। हमारे साथ श्री कृष्ण है। केजरीवाल का मॉडल दुनिया भर को दिखता है, ये स्वराज नहीं शराब राज। ये अरविंद केजरीवाल जी ने किताब तो स्वराज लिखी, लेकिन शराब राज लेकर आए। आज भारत की जनता कह रही है आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है और जनता के लिए अभिशाप है। भ्रष्टाचार पर रार है आप बीजेपी में, वार पलटवार है। पिछले 4 दिनों से भ्रष्टाचार के आरोप सरकार तोड़ने की साजिश को लेकर सियासत गरमाई हुई है और आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी का एक ही जवाब है, सब साजिश है जी। अरविंद केजरीवाल के बढ़ते कदमों को रोकने की साजिश, 2024 का चुनाव केजरीवाल वर्सेस मोदी ना हो, इसे रोकने की साजिश। 19 अगस्त को जब मनीष सिसोदिया के घर शराब घोटाले को लेकर रेड हुई, तब से लेकर गुजरे 4 दिनों से हर रोज आम आदमी पार्टी के 4 से 5 नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रवक्ता नंबर 1, तारीख 19 अगस्त। पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया, उस विकल्प का नाम है अरविंद केजरीवाल। और जो लोग पहले कहा करते थे मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु, आज वही लोग कह रहे हैं मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, मोदी बनाम केजरीवाल। प्रवक्ता नंबर 2, तारीख 20 अगस्त।
आप कहो या ना कहो, भारतीय जनता पार्टी कहे या ना कहे, लोगों के अंदर जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी के दुश्मन नंबर वन, नरेंद्र मोदी जी के टारगेट नंबर वन अरविंद केजरीवाल हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे देश में जो लड़ाई है ये नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होगी। प्रवक्ता नंबर 3, तारीख 21 अगस्त। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहूंगी कि आज पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। मोदी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जांच एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम रोकने के लिए। प्रवक्ता नंबर 4, तारीख 22 अगस्त। कि 2024 की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होगी, क्योंकि लोग पूछते थे मोदी बनाम हु, मोदी वर्सेस हु, मोदी के खिलाफ कौन। तो आपने खुद जवाब दे दिया, आपकी पूरी पार्टी ने जवाब दे दिया कि मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल। आप नेताओं की बातों का लब्बो लुआब ये कि पीएम नरेंद्र मोदी को देश में कोई चुनौती दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। छापों की आपदा में आम आदमी पार्टी राजनीतिक अवसर तलाश रही है तो केजरीवाल मासूमियत से कह रहे हैं कि हमें तो पीएम नहीं बनना, इंडिया को नंबर वन बनाना है। हमारे को कोई लालसा नहीं है, जैसा मनीष जी ने कहा ये सीएम बनने नहीं आए और मैं भी पीएम बनने नहीं आया। मेरा एक ही सपना है, भारत को दुनिया का नंबर वन देश देखना है। वो नेता और पार्टियां नहीं कर सकते, आप सब लोगों के साथ मिलके 130 करोड़ लोगों को एक साथ मिला के और इस देश को नंबर वन बनाएंगे। अब केजरीवाल इंडिया को नंबर वन बनाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 2013 में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वो राजनीति बदलने आए थे। और ये हम क्लीन पॉलिटिक्स के, राजनीति की सफाई के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। किसी भी आदमी को भले ही उसके ऊपर मर्डर का चार्जेस हो या किस तरह का हो, भले ही उसको लगता हो कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन अगर इस तरह के गंभीर आरोप हैं तो चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी होना चाहिए और मुझे तो लगता है इस दिशा में कानून भी बनने चाहिए। तो आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से कटिबद्ध है जी राजनीति की सफाई के लिए। लेकिन आज उनके ही एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, उनके उप मुख्यमंत्री पर सीबीआई जांच का शिकंजा कस रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री पद का ख्वाब अच्छा है ये हम नहीं उनके ही पुराने सहयोगी कह रहे हैं। हर व्यक्ति को अधिकार है प्रधानमंत्री होने का सपना देखने का, केजरीवाल जी को भी अधिकार है, उनका मैं कोई वो नहीं कर सकता। सवाल है कि इसमें विकल्प क्या है, क्या बड़ा मोदी और छोटे मोदी का विकल्प देश को दिया जा रहा है, इसमें वैचारिक में अंतर क्या है। मुझे तो वैचारिक अंतर दिखाई नहीं देता, आपको दिखाई दे तो बताइएगा। दरअसल केजरीवाल के ख्वाब के आगे सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कोई भी उनके साथ नहीं आना चाहता। उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो कोई भी पार्टी उनका साथ देने के लिए आगे नहीं आई। इस मुश्किल वक्त में केजरीवाल तन्हा खड़े हैं। आम आदमी पार्टी को भी यह तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर जब छापे पड़ते हों तब आप भी बोलना सीखिए। आज तो हम बोल रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पे होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। जब शराब के इस गोरख धंधे के खिलाफ हम सड़कों पर थे तो आज जो मैदान में शूरवीर उतरे हैं वो कहां थे? मैं आज नहीं, मैं 3 साल से कह रहा हूं, अगर आप मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए कि इनका शिक्षा मॉडल ठेकेदारी का मॉडल है। मैं 3 साल से कह रहा हूं कि ये ठेकेदारी का मॉडल, पैसा कमाने का मॉडल है। कांग्रेस इस समय मांग कर रही है कि गिरफ्तार किया जाए और इनको सिसोदिया को बर्खास्त किया जाना चाहिए मंत्रिमंडल से, एक करप्ट आदमी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।